बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग पढ़ रहे हो इंटर कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट। मतलब आपको अगर किसी लिक्विड का वॉल्यूम दिया गया तो आपसे मैस में कन्वर्ट कर सकते हो इफ यू नो अबाउट द डेंसिटी। इसी तरह आपके पास कोई मैस हो, मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल, तो आप उसे आपसे डेंसिटी की मदद से उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर्मूला होते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। और अगर आपको मैस चाहिए मैस, तो आप डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी, मैस को डेंसिटी से डिवाइड कर दो वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो पांच कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। दोज आर सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी नेम ऑफ एसिड यहां दिया मैंने, यहां उनकी परसेंटेज दी वेट बाय वेट, और यहां मोलैरिटी और ये डेंसिटी दी। तो सल्फ्यूरिक एसिड की वेट बाय वेट कंपोजिशन 98% होती है, और इसकी मोलैरिटी 18 होती है, और इसकी डेंसिटी 1.84 होती है। अच्छा क्वेश्चन कि हम क्यों यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आमतौर पर लिक्विड के लिए यूनिट होती है ml, मतलब वॉल्यूम, लेकिन बाद का हमारे लिए सूटेबल नहीं होती, हमें उसके लिए ग्राम में लेना पड़ती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड होते हैं, लेकिन हम इसे बाजू का ml में लेने की बजाय ग्राम में लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा डेंजरस होते हैं, अगर ये स्किन से लग गया ना तो स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है। ठीक है, अगर आपके हाथ के ऊपर गिर गया ना तो आपसे हाथ के ऊपर ढूंढते रह जाओगे, हाथ से गुजर कर नीचे गिरेगा और जमीन में से धुआं उठेगा। तो इतना खतरनाक एसिड हम नहीं चाहते कि हम इसे निकालें, इसे मैयर करें। हम इसे मैयर करना नहीं चाहते, हम इसे वेट करना चाहते ताकि थोड़ा हमारे लिए वर्केबल हो जाए। तो इसका मतलब अगर इसके ml दिए होंगे तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मैस में। तो कैसे? अगर आपको बताओ कि 1.84 इसकी डेंसिटी है और मैं कहूंगी इसके 10 ml है, 10 ml, तो आप 10 ml को कैसे मैस में कन्वर्ट करोगे? तो ये है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं कहता हूं अगर 10 ml है तो 10 ml को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो 1.84, इसका मतलब इसका मैस बनेगा 18.4 ग्राम। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के 10 ml में 18.4 ग्राम वजन होते हैं। इस तरह अगर फास्फोरिक एसिड हो तो फास्फोरिक एसिड की परसेंटेज 85.5% होती है, मोलैरिटी 4.8 होती है, और इसकी डेंसिटी 1.70 होती है, और नाइट्रिक एसिड की परसेंटेज 70.4% होती है, और मोलैरिटी 15.9, और डेंसिटी 1.42, और HCl की परसेंटेज 37.2% होती है वेट बाय वेट, और इसकी मोलैरिटी 12.1, और इसकी डेंसिटी 1.19 ग्राम पर cm क्यूब होती है। और अगर एसिडिक एसिड हो तो इसकी परसेंटेज वेट बाय वेट 98.8, और इसकी मोलैरिटी 17.4, और इसकी डेंसिटी 1.05 होगी। अच्छा स्टैंडर्ड क्या बनाया हमने डेंसिटी के लिए? स्टैंडर्ड क्या बनाया? वाटर, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर cm क्यूब होती है, 1 ग्राम पर cm क्यूब। इसका मतलब ये सारे वाटर से डेंस हैं, और वाटर से डेंस होने की वजह से इनके कम वॉल्यूम में भी मैस ज्यादा होता है। जैसे आप याद करिए मैंने आपको कहा अभी कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड के 10 ml होंगे तो 10 ml के अंदर वजन कितना होगा? 18.4 ग्राम, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की 1 होती है और सल्फ्यूरिक एसिड की 1.84। और अगर किसी की डेंसिटी वाटर से कम हो तो इसका मतलब वो वाटर से लाइट इन वेट होगा, वो वाटर से हल्का होगा, और उसका मैस वाटर से कम होगा।